देखो मेरा जूतों के साथ में क्या कर रही है। वाह वेरी गुड। हेलो भाई। हो भाई। ओहो हेलो, कौन सा जूता पसंद आया? ओए नुनु वो चाहिए, टूट गया वो। Hey guys, very good morning. ये देखो सुबह सुबह के साथ में इतने चाहिए। अब निकालो तू। क्या हाल चाल है भाई साहब? ये देखो ये मस्त से बैठ करके सुबह सुबह सबसे पहले उठते के साथ में इसके साथ में अच्छा टाइम पास हो जाता है। हाय हाय कर दो सबको। नुनु हाय करो, फूलो बोले हाय हाय बोल दो। ये अभी तक अच्छा बात कर रही थी, बट जैसे फोन ऑन होता है ना शांत हो जाती, थोड़ा अच्छा बच्चा जैसे दिखती है। ए और बाकी लोग आप लोग कैसे? बहुत दिन के बाद में मैं अच्छी तरह से ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ। एंड ये रहा, एंड ये ना कल जा रही है, अब फिर पता नहीं बहुत दिन के बाद में इसका मुलाकात होगा, बट हाँ आज और कल इसके साथ में थोड़ा टाइम पास खेलेंगे, मस्त करेंगे। ये देखो पूरा बॉटल में बिजी है, दिखाता हूँ ना। पता नहीं तभी से ये वाली बॉटल में सुबह से बिजी हो गई है, खोल रही है लगा रही है, खोल रही है लगा रही है। बच्चों को क्या इंटरेस्ट आता है छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे ताला चाबी ले लिया, अब ये ताला चाबी ले करके बस ऐसे 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 करेगी। क्या करेगा नुनू वो ताला चाबी से? इसे क्या करेगा, इसे क्या करेगा? हाँ उसको खोली, अब देखो फिर लगाएगी, उसको फिर खोलेगी फिर लगाएगी, बस यही चलता है। इधर देखो नुनू, नुनू बोले पापा, अच्छा मामा, ओ भाई मामा, भैया कैसे हुआ? बोले आइए। ओ नहीं नहीं ऐसे नहीं करने का, चोट लगेगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं फेंकने का। बोले आया। ओहो ओहो अले ले आवो आया। इसका कुछ पता नहीं। बस जो मुंह में आता बोलती रहती है, कुछ मीनिंग नहीं है। बैठा कैसे करे? आया बोले मामा मामा। चलो ऐसे ही टाइम पास तो इसके साथ होता रहेगा। एंड बहुत दिन से आप लोग भी बोल रहे थे कि इसका ब्लॉग्स नहीं आ रहा है, तो ये रहा एकदम सही सलामत मस्त से बिंदास से। बोले अम्मा। ओ मारता है मेरे को, मालेगा याई। देखो ऐ ऐ चोट लगे नुनु। ना 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 मार पीटी नहीं, मारने का नहीं। बोले आया अमा मामा मामी नाना बोले नानी मामा। ये क्या हो रहा है? ओ भाई क्या हो रहा है? ये क्या बना रहा है तू? हेलो ओए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है ये? वहां नहीं यहां डालो, यहां आए देखो इसके अंदर डालने का, लॉक करेगा। ये बड़ा चाबी है, छोटा चाबी डालो। स्माइल करे, अच्छा हाय बोलो, हाय हाय।
सब सफाई चल रहा है और ये मैडम जी देखो आई या उधर ने गिर जा। ना 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 वहाँ नहीं, भगवान उबन सामी सामी भगवान है। हाँ प्रणाम करो भगवान को, भगवान को प्रणाम करो। कैसे प्रणाम करता? हाँ ना ना चोट लगेगा, चढ़ेगा कैसे? चढ़ के दिखाओ तो कितना हाइट है। सब बेड तो निकल गया। डांस करो डांस करो डांस डांस करो। ओ डांस करो। ए गिरा। ओ मम्मी मारे तेरे को। अब मत करो, आ जा चलो चलो नाश्ता करेंगे। मारेगा चलो आ जा इधर। ए ये बोले मामा अरे वाह है देख कितना टंकी अम्मा। अच्छा इधर इधर। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं आजकल वीडियोस में नहीं डाल पा रहा हूँ चैनल पे, क्योंकि द रीज़न इज़ बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। बट बताऊँगा वन ऑफ द रीज़न, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी तो वैसे मैं लंच कर रहा हूँ, वैसे मम्मी ने पापड़ बहुत ज़्यादा ही दे दिया था, मतलब करा रहे मज़े आ रहे, कुछ वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ। तो देखो सीन क्या है, अभी ये वाली लैपटॉप देख रहे हो ना, ये एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग लैपटॉप है, एकदम तगड़ी वाली परफॉर्मेंस लेवल है। एंड इसके पहले जो ना ये वाले लैपटॉप देखा, अभी तो कुछ स्टैंड जैसे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ एक लैपटॉप है और हाँ ये वाला भी एक लैपटॉप है, तो इस पर मैं काम करता था। वो थोड़ा ना मतलब देखो एवरेज लोगों के लिए ना वो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बट हाँ जब तुम बहुत ही हैवी एडिटिंग करते हो, बहुत ही प्रोडक्टिविटी का काम करते हो, मतलब उस लैपटॉप पे होता था क्या, जैसे एक 10 मिनट्स का क्लिप है जब एडिटिंग करके रेंडरिंग पे डालता था, तो 1 से 1.5 घंटा टाइम लेता था भाई साहब रेंडरिंग करने में। बट ये वाला लैपटॉप जो है ना बीस्ट हो गया है, तो इस पे रेंडरिंग मतलब 10-15 मिनट के अंदर में रेंडर हो जाता है, कभी कभी 7-8 मिनट में रेंडर हो जाता है। जो काम उस पे 1-1.5 घंटा रेंडरिंग में टाइम लगता था, यहाँ पे भाई साहब 7-8 मिनट में हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बहुत सारा काम ओवरलोड है। एंड मैं चाहता हूँ कि अपनी मेन चैनल पर फोकस कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि उसको इम्प्रूव करना है, हर दिन कुछ पैसे भी तो आना है ना, तो दैट्स द थिंग। एंड अभी देखो टाइम पहले बच जाता था बहुत, तो मैं करते रहता, बट अब क्या हो जा रहा है, जब ये फास्ट काम कर रहा है एकदम बीस्ट की तरह, एकदम मस्त काम कर रहा मक्खन, मैं भी वो तगड़े लेवल के चीज़ें एडिटिंग वगैरह पे कर रहा हूँ और टाइम कम हो जा रहा है फ्री टाइम। तो क्या हो रहा है कि ज़्यादातर टाइम है ना एडिटिंग पे जा रहा है या फिर कंटेंट रिसर्च पे जा रहा है, जिसकी वजह से जो ना भाई साहब व्लॉग्स वगैरह मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, व्लॉग्स के लिए एडिटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो सॉरी इस साल में मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला है, बट हाँ आई प्रॉमिस मेरे पास जो ना बहुत दिन के मैंने फुटेजेस मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, मैं ट्राई करूंगा उसको एडिट करके डाल दूं। न्यू ईयर का जो चीज़ें हुआ था, फिर उसके बाद में बहुत सारी कुछ चीज़ छोटी मोटी चीज़ें हुए थे। हाँ हम लोग जो है शोरूम गए थे, एक फ़ोन वगैरह खरीदा रेडमी का, तो वो सब चीज़ें मैं ना डालूंगा, बहुत जल्द डालूंगा। बट तब तक थोड़ा माफ़ करना, थोड़ा चीज़ें मैं सेटल डाउन कर लूँ, चैनल को थोड़ा अच्छी तरह से बनाना, फिर ना अगेन मैं फ्यूचर में डेफिनेटली बहुत ही रेगुलर यू नो हो जाऊंगा इस वाले व्लॉग चैनल पे। एंड ढेरों सारी वीडियोस आएंगी गाइस यहाँ पे चैनल पे, बट अभी जो ना वही ना इतना सारा जो काम चल, मतलब उंगलियां दर्द कर जाती है, आप मानोगे नहीं यार, मतलब बैठ करके एडिट करते रहता हूँ, एक टक स्क्रीन देखते रहता हूँ ना, ये लिटरली मेरा पेन करने लगता है, बैक पेन करने लगता है, क्योंकि कंटिन्यूसली, क्योंकि फ्री टाइम नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, चीज़ें वगैरह कर लिया, रेंडरिंग पे डाल दिया, 1-1.5 घंटा फ्री होता था, उस टाइम में कंटेंट रिसर्च कर लेता या फिर आप लोगों के लिए व्लॉग बना लेता था या फिर कुछ और टाइम पास वगैरह कर लेता। बट अब सिंस ये 5-10 मिनट के अंदर में हो जा रहा है ना, तो उस गैप में मुझे फिर थंबनेल पे काम करना होता है, एसईओ पे काम करना होता है, तो उस बीच ना टाइम नहीं निकल पाता, विच इज़ गुड अगेन, क्योंकि काम फास्ट हो जा रहा है। एंड पहले जो अपने मेन चैनल्स पे जो भी चीज़ें मैं पब्लिश कर पाता था, उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा कंटेंट मैं पब्लिश कर पा रहा हूँ, विच इज़ गुड अगेन। तो मैंने बोला चलो यार कुछ दिन ना सब चीज़ को सैक्रिफाइस करके मेन चैनल पे फोकस करते हैं एंड मैं कुछ रिजल्ट दिखाऊं। लेट मी शो यू रिजल्ट, ओके। एंड आई एम रियली हैप्पी। तो अभी का रिजल्ट देखो भाई साहब, ये व्यूइंग एंगल देखो, मतलब 8,000 ऐसा कुछ आ रहा है। एंड आई वांटेड कि ये
रियल टाइम में गैस लाखों में पहुंचे, तब जा करके ना कुछ प्रॉपर अर्निंग वगैरह यहाँ से अच्छा कुछ होगा, कुछ स्टेबलाइज कर सकूंगा एंड ये चीजें कर पाऊंगा। बट हाँ, फ्यूचर वगैरह में अच्छी खासी चीजें चल गया तो देन अगेन वी विल एक्सपैंड आवर टीम, एडिटर्स को हायर करेंगे, देन आई विल बी लिटिल फ्री एंड ट्रिप्स का भी प्लान्स है। तो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन गाइस माइंड में एंड बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम भी होता है जो आई डोंट शेयर ऑन द कैमरा, बट देन लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। बाय द वे मेरे पास गरम गरम खिचड़ी है भाई साहब, आज सैटरडे है तो गर्मा गर्म खिचड़ी है, आलू का चोखा जो बोलते हैं सब्जी है एंड भाई साहब पापड़ है, अमेजिंग। तो मैं लंच ख़त्म करता हूँ, फिर अगेन काम करना है, चीज़ों पे एडिट करना है। कुछ दिन यहाँ पे व्लॉग्स थोड़ा कम ही आएंगे, बट हाँ आई प्रॉमिस वेरी सून आई विल बी बैक एंड स्टार्ट रेगुलर व्लॉग्स आपके लिए। चलो तो अगले, थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। बाय द वे हाँ, एडिट करके मैं वो वीडियोज़ डालूंगा जरूर बहुत। एंड कल ना मैं सोच रहा हूँ ओपेरा हाउस जाने के लिए सैमसंग का, तो दीदी को ड्रॉप करने जाना है, रिटर्निंग में MG रोड में ओपेरा है, S24 भी लॉन्च हो गया, तो मैंने सोचा उसको ले लूँ, तो उसका वीडियोस वगैरह जो है ना आई नो ले करके मैं कर के अगर गया तो प्रॉपर सच्चास बना करके अपने मेन चैनल्स वगैरह पे डालूंगा और यहाँ पे व्लॉग्स वाले पे भी डालूंगा, बट प्रॉबली ए वीक लग जाएगा शायद आपको वीडियोस को देखने के लिए। लेट्स सी क्या होता है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की वजह से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब कर दिया करो, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।